अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हमारा जो लेसन है वो है मास्टरिंग योर नीश के ऊपर, जिसका बेसिकली ये मतलब है कि आपने जब अपना जॉनरा, आपने जब अपना पर्पस डिसाइड कर लिया है, तो अब आपने इसको मास्टर करना है, इसका एक्सपर्ट बन के दिखाना है। नीश का मतलब है कि आपकी कोई कैटेगरी या आपकी कोई पोजिशन या कोई एरिया, ठीक है, जो आपके लिए बहुत सूटेबल है, यानी आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो आपकी नीश होती है। अब इसको मास्टर करने का जो तरीका है ना, वो है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब के उसको सबसे मुख्तलिफ रखना है, उसमें कोई नई चीज़ लेके आनी है जो शायद कोई और नहीं कर रहा, एक ऐसा स्टाइल उसमें लेके आना है जो कोई और नहीं कर रहा, जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी से ही आएगा। जितना आपका डिफरेंट और इनोवेटिव और नई चीज़ होगी ना, उतना बेहतर है। उसमें आप अपनी जगह बना सकते हैं कि भाई ये मेरी टेरिटरी है, क्योंकि ये डिफरेंट है और ये नई है और ये मैं लेकर आई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी की हुई हैं, लेकिन आप किसी चीज़ की क्वीन या किंग तब बनते हैं जब आप कोई नई चीज़ लेके आए जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। आपका पेज ऐसा क्या ऑफर करता है जो किसी और का पेज नहीं करता? फिर जब आपको समझ आ जाए कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी यूनिकनेस है और आपका यूनिक फैक्टर है, फिर आप उस यूनिक फैक्टर को मास्टर करें, इतना मास्टर करें कि आपकी तरह कोई वो कर ही नहीं सकता, ताकि अगर कोई आपको कॉपी भी करना चाहे तो वो आपकी तरह नहीं कर सकता। इतना वो लोगों के लिए यूनिक होना चाहिए। वो यूनिकनेस आप कैसे निकालते हैं? आप एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं कि आप अपनी वीडियोस को किसी डिफरेंट स्टाइल से बनाएं जिससे कोई भी नहीं बना रहा। आप अपने कंटेंट में ही ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका कंटेंट डिफरेंट हो, यानी जिस चीज़ के बारे में आपका बात कर रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं जो बहुत लोग कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड एंड कुकिंग, लेकिन शायद आप जिस तरह अपनी फूड और कुकिंग वीडियोज़ बनाते हैं वो बहुत डिफरेंट और यूनिक स्टाइल हो, या आपका कंटेंट ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है कि कोई भी नहीं है जो प्लांट केयर की बात कर रहा है, तो आप उसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, या कोई भी नहीं है जो हेल्थ में प्रॉपरली कुछ बना रहा है तो आप उसमें बना सकते हैं। आपने इनोवेट करने का तरीका ढूंढना ही ढूंढना है, क्योंकि तभी आप अपना कुछ नाम बना सकते हैं कि आपसे लोग इन्फ्लुएंस हों और वो कहें वाह ये ज़बरदस्त कंटेंट है। अब लेकिन एक चीज़ याद रखें कि आपने कभी भी इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने। अपने काम के लिए नोटिस होना है, डिस्कवर होना है, तो आपको करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। आपको अपने आप को चैलेंज देना होगा कि मैं अपने आप को 30 डेज का चैलेंज देता हूँ या देती हूँ, और 30 डेज में हर रोज़ मैंने एक नया पीस ऑफ कॉन्टेंट डालना ही डालना है। को ये आपने कहना है कि मैं हर तरह की एक्सप्लोरेशन करूँगा, एक्सपेरिमेंट करूँगा, लेकिन 30 डेज इन अ रो मैंने करना ही करना है। फिर आपके फॉलोअर्स आपको पहचानेंगे एज द मास्टर ऑफ दिस नीश। जब आपको कंटिन्यूसली देखेंगे कि आप क्रिएटिव वेज से बार 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 उसी चीज़ के बारे में कंटेंट बनाए जा रहे हैं, उनको आपका ट्रू पैशन इस चीज़ के लिए नज़र आना चाहिए, ठीक है, और वो आपके कंटेंट में इसी तरह रिफ्लेक्ट होगा जब वो कंसिस्टेंट होगा। ये करते हुए आपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है वो ज़रूर लेना है और उसको अप्लाई करना है। आपने आज वीडियो बनाई, कल बनाई, तीसरे दिन बनाई, चौथे दिन बनाई, पांचवें दिन बनाई, और फिर आप देखें कि भाई क्या फीडबैक आ रहा है। वो फीडबैक लेके आप अगले हफ्ते लेकर जाएं और उसके अकॉर्डिंग करते जाएं और फिर देखें क्या फीडबैक आ रहा है और उससे लर्न करें। तो अपने 30 डे चैलेंज में फॉर एग्जांपल आप लर्न करें, फिर ये देखें ऑडियंस अप्रिशिएट क्या करती है, जो चीज़ वो अप्रिशिएट करती है उसको आप और ज़्यादा करें और उसी चीज़ को बेहतर से बेहतर करते जाएं। लेकिन आपने 30 डेज ज़रूर डेडिकेट करना है। जब 30 डेज हो जाएंगे तब आपने एक स्टेप कर लिया होगा। अब 30 डेज के बाद आपने इस अपने एक्सपेरिमेंटल फेज में से डिसाइड करना है कि हाँ, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो वाकई मेरे लिए यूनिक थी, जो वाकई लोगों को बहुत पसंद आई, जिस पे सबसे ज़्यादा अच्छा फीडबैक मुझे मिला, और उसको फिर आपने पक्का करके आगे लेके जाना है। सिंपल सी बात है, ये बहुत मेहनत वाला काम है, ये बहुत डेडिकेशन वाला काम है जो आपको करना है। शुरू में समझने में अपने ही एरिया को और अपनी ही नीश को टाइम लगता है, इसलिए आपको ये 30 डेज लगाने ही लगाने होंगे। आई होप आपको समझ आ गई हो, और अब हम नेक्स्ट टाइम
इंस्टाग्राम के बारे में जरा बात करेंगे एज अ प्लेटफॉर्म. अभी तक हमारा जितना कंटेंट था वो कंटेंट की फिलॉसफी पे बेस्ड था, वो क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड था. अब हम जरा टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर जाएंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे. अल्लाह हाफिज़.